आर्टिकल 19 नट पर खतरी हो गया है कि तो जो भी व्यक्ति आज बात कर रहा है इंटेलेक्चुअल या तो बुद्धिजीवी लोग हैं या तो उनको मारा जा रहा है या तो उनको अंदर किया जा रहा है। ये बात आपने समझनी है कि कहां है समानता और स्वतंत्रता की बात तो हम करते रहे कि 21वीं सदी पर आज भी कुछ मुस्लिम लोग अदालत पर पाया जाए कि क्या हुआ है क्योंकि रूलिंग क्लास में उनके अंदर एक हुनर आ गया है कि वो उनको मजा आ गया लोगों की प्रशंसा करते हो उनको लोगों की इज्जत में उनको लोगों की कुर्सी के साथ कुछ नहीं रोक लेना है वो एक खास है रूलिंग क्लास। हम हमें उस रूलिंग क्लास के खिलाफ लड़ना होगा जब तक हम उनके खिलाफ लड़ेंगे नहीं तब तक हमारे हासिल की लड़ाई जो है वो अधूरी है और हमारे हमें अपने राइट्स नहीं मिलेंगे। हमें यह जानना है कि यह कैसे होगा जब भारत से अंग्रेज चले गए और हमारे लोगों के बीच में 1936 से लेकर 1946 तक डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संघर्ष किए तो उसके बीच में हमें कुछ राइट्स मिले लेकिन उसके बीच में दो बड़े संगठन भारत में बन पे वो संगठन थे हिंदू महासभा और आरएसएस। अंग्रेजों ने कभी भी आरएसएस आरएसएस और हिंदू महासभा का कभी विरोध नहीं किया क्योंकि हिंदू महासभा और आरएसएस ने भी कभी अंग्रेजों का विरोध नहीं किया क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन में इसका क्या कारण है क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में कहा था कि देश के अंदर मुसलमानों और हिंदुओं का तब तक मसला हल नहीं हो सकता जब तक गृह युद्ध ना हो और आज गृह युद्ध आपके सामने हो रहे हैं। गाय लौघार हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद राम रजिया और फिर जाकर संविधान बदलने की ये लोग बात करते हैं। ये बात आपको समझनी है कि हम कहां पे खड़े हुए हैं जो 13 पॉइंट एजेंडा 1925 में लागू हुआ था आज उसको वो रफ्तार इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आस्ता आने वाले समय में ये ग्राउंड लेवल पे काम करेगा और हम लोगों को 1947 पीछे की ओर धकेला जा रहा है। ये बात आपको समझनी है कि समाज किस ओर जा रहा है। समाज को एक क्रांति की जरूरत है हमें मुक्ति का नहीं हमें भक्ति का नहीं हमें मुक्ति का आंदोलन चलाना है। जब तक आप मुक्ति का आंदोलन नहीं चलाएंगे तब तक हमारे समाज में उनका सही नेतृत्व नहीं होगा। हमने आप लोगों ने यह समझना है कि किस तरीके की भावना जो हम पर पैदा की जा रही है। आप आज भी देखें आप हमारे लोगों को आप आदिकाल से ही भावना से देखा गया है सामाजिक तौर पर शिक्षित तौर पर राजनीतिक तौर पर उनका गुलाम बनाया गया और हमारे जो लोग हैं हमको अधिकार संविधान ने दिया पढ़ने का रोजगार का और समाज में मान सम्मान का लेकिन हम प्रचार प्रसार आदि धर्म उस देवी देवता के किसी डेरे बाबा के डेरे का करता है। यही हमारे समाज की असफलता का कारण है कि हम अपने आदर्श अपने सिद्धांत अपने उद्देश्यों को हम भूल गए और आज भी हम मतवाद और धर्मवाद के चक्कर में फंसे हुए हैं। आज की दलित शोषित वंचित पिछड़ा अति पिछड़ा अपनी मास्टर की आजादी के लिए झटपटा रहा है। आर्टिकल 370 और 25 से के चलते जो हकूक हमको मिलते थे चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो चाहे वो रोजगार सेक्टर में हो या यहाँ की मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन के साथ रहते हो हमारे साथ जातवाद और भेदभाव कम था हमको प्रॉपर्टी के राइट्स मिले थे उसको संशोधन करने के बाद भी आपके हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। ये बात आपको मानना है कि कुछ नहीं बदला। रिजर्वेशन एक्ट वैसे का वैसा है इसका मतलब है कि यहाँ की जो सियासत है या सेंटर की जो सियासत है वो आपस में मिली हुई है क्योंकि कश्मीर बेस्ड जो पॉलिटिक्स है या जो कानून वो वैसे के वैसे आ रही है। 166 एक्ट जो है वो भारत अभी भी इंप्लीमेंट नहीं होता और उस पर रिजर्वेशन एक्ट भी हमारा है और रिजर्वेशन एक्ट को जिंदा रखने का मतलब है उनको अपने आकाओं को वो बेनिफिट देना है क्योंकि आरबीए को बेनिफिट मिलना चाहिए एएससी को बेनिफिट मिलना चाहिए और जो पहाड़ी लोग हैं उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। उनको एससी एसटी ओबीसी की नहीं पड़ी है उनको सिर्फ इन लोगों का वोट लेना है। ये बात आपको समझनी है। हमने बड़ी बड़ी कोशिशें नहीं बड़ी बड़ी बातें नहीं छोटी छोटी कोशिशें करनी है क्योंकि संविधान सबको बराबर मानता है लेकिन क्या संविधान की भावना लोगों में बराबर है नहीं है। क्या कारण है इसका हमने इस बात को समझना है। आपने जो खोया वही दूसरों ने पा लिया आपको कितना दुख है कितना दर्द है कितने आप लोग गरीब हो आपको कितनी पीड़ा है इसका कारण यह नहीं कि पिछले जन्म में आपने कोई बुरे कर्म किए हैं पिछले जन्म में आपने कोई पाप किए हैं या आप निचली जाति में पैदा हो गए। इसका कारण यही है कि जो शासक वर्ग के लोग हैं जिन हजारों सालों से हमारे लोगों के ऊपर जुलूम किया हमारे लोगों को गुलाम बनाया हमें पढ़ने से दूर रखा हमारे गले में हड्डी बांधी और पीठ झाड़ू बांध लिया हमें मजबूर किया बस्ती से बाहर रखने के लिए इसका यह कारण है। इसीलिए आपको किसी किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है।
किसी पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं रखना है, आपको अपना वसीयत खुद बनना होगा, अपने जीवन का उद्धार आपको खुद करना है। डर नहीं डालना है, तभी वो गुलाम बने। आपने उनके अंदर